हरे कृष्णा, जय श्री राधे। सभी ठाकुर भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम ठाकुर जी के लिए कुछ इस प्रकार का मुकुट बनाने वाले हैं, जिसे हम कलंगी भी कह सकते हैं। पुष्टि मार्ग का आज का ये श्रृंगार काफ़ी सुंदर है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इस कलंगी को बनाने के लिए हमने आज फ्रेम और बुकरम का यूज़ किया है। और कलंगी की शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसके नीचे वाले पार्ट में ये प्लेन वाइट कलर का एक स्टोन लगा रहे हैं लीफ शेप में। अब देखिए, इसके जस्ट ऊपर हम ऐसे ही वाटर ड्रॉप वाले तीन और नग लगाएंगे और इन सभी की हम जरदोशी से आउटलाइन कर देंगे। जरदोशी लगाने के लिए मैं यहाँ पे सुई धागा और ग्लू दोनों का ही यूज़ करूँगा, ताकि सुई धागे से भी अच्छे से मजबूती आ जाए और ग्लू से वो चिपका रहे और बाद में किसी चीज़ से खींच के ख़राब नहीं हो, इसलिए हम दोनों का ही यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद मैंने कुछ पोत के मोतियों का यूज़ किया है, जिसमें से मैं वाइट कलर के मोती यूज़ करूँगा। और मैंने यहाँ इसके नीचे जो लीव की नोक है वहाँ से सुई को निकाला और इसमें कुछ वाइट कलर के मोती हम इंसर्ट कर लेंगे सुई में, और जितने हमें चाहिए उतने साइज़ के अकॉर्डिंग मोती लेके इसके साइड में हम लगा लेंगे। मोती लगाने के लिए भी हम यहाँ ग्लू का यूज़ कर रहे हैं, ताकि बाद में मोती घूमे नहीं। वैसे तो ये चारों तरफ से एक से हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ठाकुर जी को धारण कराते वक्त कोई परेशानी ना आए, इसलिए हम यहाँ पे ग्लू भी लगा देंगे। और जैसे हमने एक साइड मोती लगाए हैं, वैसे ही हम दूसरी साइड भी मोती लगा लेंगे और उसके बाद जरदोशी से आउटलाइन भी कर लेंगे। अब देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा नीचे वाला पार्ट कंप्लीट है। अब हम पहले ऊपर जो हमारे मुकुट की शेप हमने आज बनाई है, उसकी आउटलाइन पूरी हम जरदोशी से कर लेंगे, और नीचे वाले पार्ट के ऊपर हम एक छोटा सा पीस और लगाएंगे यहाँ जरदोशी का। इसे भी हम सुई धागे की मदद से ही लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं ग्लू का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और एक साइड से दूसरी साइड तक हम इसे नॉर्मल ऐसे ही सुई धागे से लगा लेंगे, और जहाँ जहाँ पे मोतियों का गैप है वहाँ वहाँ पे हम इसे टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, अब देखिए, हमने इसके पूरे की आउटलाइन कर ली है, और अंदर यहाँ पे मैं पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि अंदर जो हम अब वर्क करने वाले हैं वो हमें कहाँ तक करना है। अब देखिए, मैं यहाँ कुछ सितारों का यूज़ कर रहा हूँ, और इन्हें लगाने के लिए मैंने पेंसिल की नोक पे आके थोड़ी सी ग्लू लगाई है। और अब देखिए, हमें सारे सितारों को ऐसे टच करते हुए लगा देना है। पहली लाइन में ही हमें इस तरीके से लगाने हैं, बाद में हम एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए थोड़ा लगाएंगे सितारों को। और इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे नीचे ग्लू लगा लेंगे और थोड़ी सी ग्लू फिर से मैं नोक पे लगाऊंगा। और इसके बाद देखिए, ऐसे चढ़ाते हुए हमें ऐसे लगाना है, और थोड़ी सी हम सितारे पे भी ग्लू लगाएंगे। यहाँ थोड़ी सी मेहनत का काम है, क्योंकि हर एक सितारे के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाते हुए चलना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम इस पूरे पार्ट को जहाँ तक आउटलाइन करी है वहाँ तक हमने इसे भर लिया, और कितना सुंदर लग रहा है। और इसके बाद हमने 5 मिनट का वेट किया था, ये अच्छे से ड्राई भी हो गया है। और अब देखिए, मैं सुई धागे की मदद से इसकी मोतियों से आउटलाइन कर रहा हूँ। जो वाइट मोती हमने नीचे यूज़ किए थे, वही वाले हम इसमें ऊपर भी पूरी आउटलाइन के लिए यूज़ करेंगे। देखिए कुछ इतने मोती मैंने लिए हैं, और मैंने एंड तक लेके जाऊँगा। और आपको ये मेज़रमेंट करके ही लेना है कि मोती नीचे से ऊपर जरदोशी से बाहर नहीं जाएं, वरना वो शेप ख़राब कर देंगे जरदोशी के। और मोतियों को लगाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू लगा लेंगे, और इस तरीके से मोती इस पर चिपकाने के बाद जहाँ तक हमारे मोती गए हैं वहाँ लास्ट से सुई को निकाल लेंगे।
थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद देखिए हम मोतियों के बीच में से सुई को निकालेंगे ताकि हम एक बार बीच से भी इसे टाइट कर दें धागे, ताकि इसे पकड़ ले अच्छे से। और जैसे हमने एक तरफ मोती लगाई हैं वैसे ही हम दोनों तरफ भी मोतियों से आउटलाइन कर लेंगे। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने आउटलाइन कर ली है और एक लड़ हम मोती के यहाँ पे बीच में भी लगाने वाले हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कितनी सुंदर लग रही है ये। और अब देखिए मोती लगाने के बाद जो अंदर वाला पार्ट है हम इसमें भी जरदोशी एक बार लगा लेंगे ताकि अच्छे से इसकी भी आउटलाइन हो जाए। यहाँ भी मैं जरदोशी लगाने के लिए सुई धागे का ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पुष्टि मार्ग श्रृंगार में ज़्यादातर सुई धागे और मोती का ही वर्क रहता है। बस हम मजबूती के लिए थोड़ी ग्लू का यूज़ कर रहे हैं, वरना कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें सुई धागे का ही काम कर पाएं। और देखिए कुछ इस तरीके से हमने जरदोशी से पूरी की आउटलाइन कर ली है और अब हम अंदर का जो पार्ट रह गया है उसमें वर्क स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने वाटर ड्रॉप वाले कुछ वाइट कलर के नग लिए हैं जिनसे हम इसमें अंदर का काम स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी ग्लू मैंने यहाँ नीचे लगाई है और इसमें हम ये अपने वाटर ड्रॉप वाले स्टोन्स रख लेंगे। यहाँ पर मैंने ये दो स्टोन्स लगाए हैं और जो थोड़ा बहुत गैप है उसकी आप चिंता ना करें, वो हम बाद में यहाँ पे भी कुछ ऐसा वर्क करेंगे जो कि काफ़ी सुंदर लगने वाला है और ये स्पेस भी पूरा भर जाएगा। अब देखिए पूरा हमने इसे उन नगों से भर लिया है और यहाँ मैंने ऊपर वाले एक नग को छोड़कर सुई को निकाला है और ये जो सीधी लाइन बनी हुई है नगों की, यहाँ पर हम जरदोशी लगाएंगे। तो पहले हम मेज़र कर लेते हैं कि हमें कितनी जरदोशी यहाँ लगानी है और उतना ही हम जरदोशी का एक पीस कट कर लेंगे। यहाँ पे हम जरदोशी लगाने के लिए ग्लू का यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये वाला जो वर्क है वो ग्लू से हो भी नहीं सकता, सुई धागे की मदद से ये हो पाएगा। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमने किस तरीके से यहाँ जरदोशी को लगाया है। अब देखिए सीधी सीधी जरदोशी लगाने के बाद हमने जो जहाँ से पहले सुई को निकाला था वहीं हम थोड़ा नीचे से सुई को निकालेंगे और अब जरदोशी को पकड़ते हुए साइड से सुई को वापस डालेंगे ताकि ये देखिए बंध जाए जरदोशी यहाँ पे और कुछ इस तरीके की शेप इसमें आ जाए। ऐसे ही हम पूरी लाइन में इसे करेंगे कि एक एक नक का गैप छोड़कर हम सुई को निकालेंगे। और जरदोशी की दूसरी साइड से हम उसी जगह में सुई को वापस डाल देंगे। ये वर्क होने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है, तो आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो कनंगी बनती हुई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लग रही है। तो देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन हमारा बन के आया है। ऐसे ही हम पूरे में इस डिज़ाइन को चलिए जल्दी से कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर से हम यहाँ सुई को निकाल रहे हैं और फिर से हम जरदोशी का एक पीस कट कर लेंगे साइज़ लेकर। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमने पूरे में वर्क कर लिया है, कितना सुंदर ये लग रहा है। और इसके बाद हम देखिए जरदोशी के कुछ छोटे छोटे से पीस और कट कर रहे हैं ताकि हमने अभी जो स्ट्रेट लाइन्स करी हैं उनमें हमें दूसरी सेट की भी कुछ लाइनों में जरदोशी लगानी है और उन्हें हम ऐसे पूरे पूरे टुकड़े जरदोशी के कट करके नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम छोटे छोटे से पीस यहाँ जरदोशी के कट कर रहे हैं। और अब देखिए मैंने सुई को कुछ इस तरीके से निकाला है और यहाँ पे मैं एक जरदोशी का छोटा सा पीस ले रहा हूँ और इसको हम लास्ट तक नीचे तक लेके जाएंगे और इसके आगे वाले जो मोतियों के बीच में गैप है उसमें इसे इंसर्ट कर देंगे और कुछ इसी तरीके से हम सारे जरदोशी के टुकड़ों को लगा लेंगे।
देखिए कुछ इस तरीके से हमने कितने सुंदर तरीके से ये बना लिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले पीछे जो धागे थे मैंने उनमें ग्लू लगा दिए ताकि वो कट ना जाए बाद में। और अब हम ऊपर का वर्क अपना करेंगे जो हमें ऊपर जरी इसमें लगानी है। तो मैंने ऐसे फ्रेम में से निकाल लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे मैं काफ़ी ध्यान से करना है ताकि जरदोशी ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए हम देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए ही कट कर रहे हैं पहले। और अब देखिए हम इसे ऐसे ही पीछे ग्लू लगाकर एक दूसरे पेपर पर पेस्ट कर देंगे। चिपकाने के लिए भी मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ कर रहा हूँ। और चिपकाने के बाद इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ग्लू हो वो साइडों से निकल जाए और पीछे से भी कोई वो ऊबड़ खाबड़ शेप ना आए। और इसके बाद थोड़ा ड्राई होने के बाद हम इसे बिल्कुल अच्छे से कट कर लेंगे। देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और इसी के साइज़ का एक पेपर और कट किया है। और अब हम ऊपर अपनी जरी लगा लेंगे इसमें। और देखिए जरी लगाने के लिए मैं यहाँ पे इस गोटे का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसमें जरी लगाने के लिए काफ़ी तरीक़ों से ट्राई किया लेकिन किसी भी तरीके से नहीं लग पाया, इसलिए कलंगी के ऊपर वो थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज आपको दिख रहा होगा। और लास्ट तरीका मैंने यही ट्राई किया कि थोड़ा सा हम इसके धागे को खींच कर इसमें से जो जरी वाले रेशे रहते हैं उन्हें निकालेंगे। और क्यू फिक्स की मदद से देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू लगाऊंगा और उसके बाद इसे यहाँ पे चिपका दूंगा। और जितना हमें चाहिए उतना इसका साइज़ रखकर एक्स्ट्रा जरी को हम यहाँ से कट कर देंगे। इसे परफेक्ट शेप हम बाद में दे लेंगे लेकिन पहले हम इसी तरीके से इसमें पूरे में लगा लेंगे कि आपको देखिए इसमें जो धागा रहता है उस धागे को खींचना है ताकि जरी खुल जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमने पूरे में जरी को लगा लिया है। अभी ये काफ़ी अजीब लग रहा है लेकिन अभी हम इसमें पीछे एक पेपर और पेस्ट कर देंगे और फिर हम ऊपर से भी जरी को अच्छे से शेप दे देंगे। तो पहले मैं इसके पीछे भी अच्छे से यही क्यू फिक्स लगा रहा हूँ ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और अब जो हमने पेपर का पीस कट किया था वो इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। इसे भी हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ग्लू हो वो साइड से निकल जाए। और अब हम जरी को भी एक परफेक्ट शेप दे देंगे। तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसे यहाँ से काट लूँगा। देखिए कटने के बाद ये कितनी प्यारी लग रही है। और इसके बाद हमारी कलंगी ठाकुर जी को धारण कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। फिर मिलते हैं ठाकुर जी की एक नई सेवा के साथ। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, श्री हरिवंश।